जय हिंद साथियों, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को एक चीज सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए, बढ़े की सुविधा पुलिस वाहनों की खरीद होगी, 766.71 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण इलाकों में डायल 112 के विस्तार के लिए 19,288 पुलिस कर्मी नियुक्त होंगे। अग्निशमन और मेडिकल सेवा भी एकत्रित रहेगी। देखिए, जो ERSS है यानी डायल 112 की जो भर्ती है, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, SI पद की भर्ती, बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती आपको अभी लगातार मिलेगी। यानी अभी आप 21,391 भर्ती के बाद भी लगातार भर्तियां अभी समय समय पे होती रहेगी। बढ़ते अपराध को देखते हुए, साथ ही साथ हमारे राज्य में पुलिस बल की जो कमी है, जो संख्या पे अनुपात निकाला जाता है, उसको देखते हुए ये सारी भर्तियां आप सभी को समय समय पर आते हुए मिलेगी। बशर्ते मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी भाई बहनों से कि आप सभी अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहिए, बस लगे रहिए प्रोसेस में। जब आप प्रोसेस में लगे रहेंगे, परिणाम आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। इसलिए जो भी भाई बहन अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं एक ही बात फिर से बोलूंगा, बार बार दोहराऊंगा कि आप पढ़िए, वैकेंसियां लगातार आ रही है। अभी आप देखे होंगे कि कुछ ही दिनों में 21,391 पदों का आपका एग्जाम होगा, साथ ही साथ 1,275 पदों का भी एग्जाम होने वाला है। जैसे ये भर्ती पूरी होगी, फिर से कांस्टेबल की एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, फिर डायल 112 की भी मिलेगी, अन्य अन्य पद भी आपको देखेंगे, जैसे कि फिर मद निषेध कांस्टेबल का भी मिलेगा, अभी फिर मद निषेध SI की एक भर्ती कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर से कुछ कम ही पोस्ट है लेकिन भर्तियां आई है फिर से, और फिर उसके बाद से फॉरेस्ट गार्ड, ये सारी भर्तियां आने वाली है हमारे बिहार में। तो जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं और जिनको की ये इच्छा रहती है कि हमको डिफेंस में जाना है और हमको वेल्ट की नौकरी करनी है, किसी को कांस्टेबल तो किन्हीं को इन कंधों पर स्टार चढ़ाना है, तो मेरे भाई आपको तैयारी करना होगा और ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक आप मेहनत करें, भर्तियां आपको समय समय पे आते हुए मिलेगी। ऐसा यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो भर्तियां तो समय समय पर आएगी ही आएगी, हो सकता है कभी 2 महीना लेट हो, विलंब हो, आगे पीछे होते रहेगी, लेकिन यदि वो भर्तियां लेट भी विलंब भी आती है और यदि आपकी तैयारी नहीं है तो भर्तियां यूं ही आएगी, यूं ही निकल जाएगी। लेकिन इतना जरूर जानिए कि यदि आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप प्रोसेस में हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, तो कल जो भर्ती आएगी उसमें आपका एक सीट पक्का रहेगा। साथियों, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आता है किसी भी भर्ती संबंधित एग्जाम को लेके, रिजल्ट के लेके और कोई भी अपडेट आता है, हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। बस आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।